अगर हम टेस्ट टाइप के हिसाब से पॉजिटिविटी रेट को देखें सितंबर के महीने में, 1 सितंबर से 6 सितंबर तक, आप जानते हैं कि ट्रूनैट, आरटीपीसीआर, एंटीजन सबके माध्यम से टेस्टिंग की जाती है। तो जो एंटीजन से जो रैपिड टेस्ट होता है, जिससे हम टेस्ट करने से आधे घंटे के अंदर हमें परिणाम मिल जाता है, तो इस महीने में 1 तारीख से 6 सितंबर के बीच रैपिड एंटीजन टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट 3.7% रही है। जो ट्रूनेट से हम जांच करते हैं, ट्रूनेट से अस्पतालों में जो मरीज आते हैं मुख्यतया उनकी जांच होती है, उनके पॉजिटिविटी का प्रतिशत इस माह में 15.4% रहा है। और आरटीपीसीआर से जो जांच की जाती है, इसमें इस माह में पॉजिटिविटी का प्रतिशत 5.4% रहा है। और कुल मिलाकर के 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.5% है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे आज करना चाहता हूं, वो बच्चों के 2 प्रकार के टीकाकरण के बारे में। एक तो ये दोनों टीकाकरण जो हैं, ये दोनों दोनों इंजेक्शन जो दोनों वैक्सीन्स हैं, ये दोनों वैक्सीन्स अभी हाल में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हाल में ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाए गए। एक वैक्सीन है रोटा वायरस की, जो पिछले वर्ष इंट्रोड्यूस की गई थी, और दूसरी वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि स्टार्ट तो हुई थी 2017 में, लेकिन कुछ जनपदों में इस वर्ष से ये पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दी गई है। तो अब पूरे प्रदेश के बच्चों को रोटा वायरस वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन उपलब्ध है निशुल्क। और रोटा वायरस वैक्सीन जो है, इससे जो बच्चों में डायरिया होता है उससे उनका बचाव होता है। डायरिया जो है वो बच्चों के, जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को रोटा वायरस की वैक्सीन जरूर लगवाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।